तरीके का माहौल हो चुका है कि एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अरे नेवी एयरफोर्स तो छोड़िए, बच्चा एनडीए वाला बच्चा भी इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। एसएससी जीडी का बच्चा भी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। उन सभी पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन बेटा एक बात मानना पड़ेगा, आज बहुत सारी चीजों पे मैं खुलासा करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे अक्सर मैं इन चीजों पे बात करता नहीं हूँ, आता नहीं हूँ, और ना हमारी पास, हमारी टीम के पास इन चीजों पे डिस्कस करने का टाइम होता है। लेकिन बेटा आज बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बात गर्दन से ऊपर चली जाए, गले से ऊपर चली जाए, जब श्वास आना मुश्किल हो जाए तो फिर आना पड़ता है। मैं आपको एक बेटा, सबसे पहले अभी क्या हुआ कि अभी आपका पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अभी फिलहाल अपने लिए दो बड़ी प्रॉब्लम है, एयरफोर्स का एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। नेवी पे विश्वास था, नेवी पे भरोसा किया, नेवी ने वैकेंसी दी, लेकिन उसने भी केवल और केवल बोला कि हम 10,000 स्टूडेंट को ही बुलाएंगे। पहले हमने एयरफोर्स के लिए लड़ाई लड़ी, एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहा, और अपने तरफ से जो इफर्ट हमें करने थे, हमने जो प्रयास करने थे, डिफेंस, ऑल डिफेंस कैटेगरी के ऑल एजुकेटर ने जो सपोर्ट बनना था वो सपोर्ट किया, मेहनत किया, हर तरीके से जो भी मेथड अप्लाई करना था वो हमने करके देखा कि कहीं ना कहीं बच्चे का रिजल्ट आ जाए। बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसी बीच में नेवी का नोटिफिकेशन भी आ जाता है, और नेवी के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी सेड न्यूज़ निकल के आती है कि हम केवल 10,000 स्टूडेंट, मतलब जो टॉपर है जी, जो IITian हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, हम उन्हीं को नेवी में बुलाएंगे, वही नेवी में काम करेंगे, क्योंकि 60-70% वालों का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत बड़ी सेड न्यूज थी, और वो प्रत्येक बच्चे के लिए थी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि चलो ठीक है जी, अभी कोरोना चल रहा है तो नेवी ने किया, तो अगली बार वो ठीक कर देंगे, लेकिन इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक हमारे एंड से बाकी डिफेंस कैटेगरी में ऑल एजुकेटर के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, जिसमें कि हम नेवी वाले बच्चों के लिए जंग लड़ते हैं, और उस जंग को अंतिम सिरे तक लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं एफर्ट तो कर ही सकते हैं, सबका यही मानना और आपका भी मानना है कि हम जंग लड़े, हार जाएं मैटर ये नहीं करता, लेकिन जंग ही ना लड़े तो ये तो गलत होगा। तो सबने डिसाइड किया कि साहब बिल्कुल जंग लड़ी जाए और उस जंग को आगे लेके जाया जाए। अब उस जंग को आगे लेके जाएं, किस तरीके से उसको आगे लेके जाया जाए, किस तरीके से उसको लड़ा जाए, क्या क्या चीजें इस दौरान हो रही है, बच्चों के लिए जंग लड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे बच्चों का इमोशंस, बच्चे इमोशनल है। कल जस्ट में आप उनको सिर्फ इमोशंस आपके, हम ये चीजें क्लियर करेंगे कि किस हिसाब से आपके इमोशंस के साथ में खेला जा रहा है, ये चीजें हम आपको प्रूफ देंगे आज, आठ से है ना। आठ से आप आठ ये चीज देखिए किस हिसाब से आपके सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, और किस हिसाब से जो हम जो ये सोच रहे थे कि हम कहीं ना कहीं कुछ कैंपेन लेके जाए या कुछ बच्चों के लिए करें, वो जो हमारा जो मेन टारगेट था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, और सिर्फ बच्चों के इमोशंस के साथ किस हिसाब से खेला जा रहा है, वो चीजें अभी हम एक एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करेंगे। ना कहीं बच्चे मासूम होते हैं, 12th पास आउट बच्चे होते हैं, ये समझते नहीं है। मतलब कल मेरा, परसों मेरा चैनल हैक हुआ, बच्चे क्या कमेंट करते हैं, सर चलो कोर्ट केस करते हैं। बच्चे को एक कोर्ट केस का रट बच्चे के सामने आ गया तो चलो जी चैनल हैक हो गया, कोर्ट केस करते हैं, ये चीज बच्चों ने लगा ली। मानता हूं कि बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज था, कोर्ट केस करते हैं, चलो जी दिल्ली चलो जी, हम तैयार बैठे हैं जी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं जी, दिल्ली चलो। एक बच्चा इस रट को पकड़ के बैठ गया, चलो जी दिल्ली चलते हैं। बिल्कुल साहब, क्या प्लानिंग है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या चल रहा है, किसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे इस प्लान को आगे अपन कैसे लेके जा रहे हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, इस पे अपन बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो मैंने एक बात बोली है, उन चीज़ों को नोट करना, क्योंकि आज जो कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज आज अभी अभिषेक सर ने क्लास खत्म की है, उसके बाद में एक बच्चे का कमेंट आया बहुत तगड़ा वाला, एक नहीं उस बच्चे ने कम से कम 50 कमेंट किए होंगे, आप जाके देखना, अभिषेक सर की क्लास खत्म की थी उस टाइम पे, एक बच्चे ने 50 कमेंट एक ही डाल दिए। कल चैनल टर्मिनेट हुआ था तो कह रहे थे यूट्यूब हिला देंगे, आज कहाँ गए, आंख और कान बंद कर लिए, कहाँ है आपका सपोर्ट, बच्चे का कमेंट पड़ा भाई साहब आग लग गई। जबकि ये चीज हमने कल क्लियर कर दी थी, कल हम जब यहाँ पे हमारी जो सेलिब्रेशन था जब चैनल वापस एक्टिवेट होने का, उसमें हमने क्लियर की थी कि बेटा हमारा सपोर्ट है वो जा चुका है ना, वो सपोर्ट कैसे जा चुका है, कैसे हो चुका है नीचे लेवल पे, और हम उस पर कैसे आगे करें, वो एक एक चीज आपके साथ क्लियर करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से आपको मिसगाइड किया जा रहा है, दिस इज ट्रू, जिस हिसाब से आपको मिसगाइड किया जा रहा है, वो चीजें अभी आपके सामने एक एक पॉइंट के साथ करेंगे कि कैसे आपको मतलब कि गाइड किया जा रहा है, कैसे आपको सिर्फ इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, और कैसे आपको मतलब कि एक आपका जो मेन आपको जो फ्यूचर में करियर बनना चाहिए उसके बजाय आपको कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता दिया जा रहा है, और अपनी मतलब की अपनी मैं ये क्लियर करूंगा मतलब अपनी अपनी मतलब की रोटियां सेकने के लिए कैसे आपको एक वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे कि मतलब आप है ना लोगों के किस हिसाब से लोगों के हाथों में खेल रहे हो, और किस हिसाब से आपके मतलब इमोशंस और आपके करियर के साथ खेला जा रहा है, वो चीज हम क्लियर करेंगे। दो चीज नोट की आपने, ट्विटर जो कैंपेन था वो चलाया गया था, ट्विटर कैंपेन चला गया था, बहुत बड़े लेवल पे चला था, हमने इफर्ट डाला,
और आज नेवी का सपोर्ट चल रहा है, नेवी के स्टूडेंट के लिए लड़ा जा रहा है, पता दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज, सर जी सपोर्ट करिए, उन गुरुजी को सपोर्ट करिए सर, उन गुरुजी को सपोर्ट करिए, क्योंकि गुरुजी केवल यही बोलते हैं कि बेटा बोलिए, जाइए क्लासों में, बोलिए अपने गुरु को, सपोर्ट करो। बच्चा आता है दौड़ा दौड़ा, बच्चा कमेंट करता है, अपना 10 मिनट खराब करता है, सर सपोर्ट करो। गुरुजी ये नहीं बताते कि सपोर्ट कैसे किया है, कि सपोर्ट कैसे हो रहा है, गुरुजी नहीं बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे, मैं हम प्रूव करेंगे चीजें, क्योंकि दिन में 3 वीडियो डालने हैं जी, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको 10-15 दिन माहौल को गर्म रखना है, और आपको मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उस पर क्लियरेंस नहीं देना है कि हम कहां पहुंचे हैं, हमारी मतलब कि जो हमने वहां पे जो बातचीत हुई थी उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या हो चुका है, कैसे हम यहां पे जा रहे हैं और क्या हो चुका है, हम वो नहीं बताएंगे। हम आपको बोलेंगे लाइव आ जाओ, पूरे 6 घंटे लाइव रहो, 8 घंटे लाइव रहो, अभी माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, है ना, तो वो चीजें अभी आपको आंसर देंगे हम 1 by 1 पॉइंट का। YouTube पे माहौल बना के हमें ट्वीट नहीं करने हैं, हमें तो कोर्ट में जाके PIA लगानी है, बात समझ रहे हैं। अब एक बच्चा आके कमेंट करता, बहुत सारे टीचर्स की तो हालत खराब है जी, क्लास नहीं ले रहे बेचारे, अभी मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट पे, क्लास नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चा कमेंट में जाके करता है जी उस गुरुजी को सपोर्ट करो, आपने सपोर्ट नहीं किया इवन मेरी क्लास में, जबकि वो बात कल परसों हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया, सारी चीजें हमने कर दी, हो गया ठीक है, लेकिन अब आज बच्चा आके जी उस दिन तो YouTube हिला रहे थे, आज कहां गए, भामाशाह बन रहे थे उस दिन तो, अरे भाई हम तो भामाशाह भी नहीं बने, हमने तो ये भी निकाल, हमने कहीं नहीं बोला, हमने ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमेशा साइलेंटली, हम कभी भी नहीं आते हम कि हम भामाशाह है या ब्लाबला है, हम कभी नहीं बोलते, हम सिर्फ ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चीजों को हाइप क्रिएट करने के बजाय आप ग्राउंड लेवल पे जो बच्चा लाखों रुपए देके नहीं पढ़ सकता उनको ग्राउंड लेवल पे हम ऑनेस्टली एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, और कभी हम इस तरह की, आपने देखा होगा कि कभी इस तरह की वीडियोस नहीं आते हैं। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, नोट करते जाना, लिखते जाना, जो बच्चे वीडियो की डिटेल, जो बच्चे वीडियोस डालते हैं वो भी बच्चे बेटा ध्यान रखना, इस वीडियो का अपने हिसाब से ट्रीट करना, इस वीडियो को देखना, मैं एक एक चीज पे बात करूंगा कि वास्तव में होता क्या है, रियलिटी है, फेस करनी पड़ेगी बेटा, आप भी समझो और आपको ये चीज रियल आज फेस करनी पड़ेगी कि रियल सपोर्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। सर पहले आप है ना, एक ही चीज मतलब कि गुरुजी एक तो उन्होंने ये चीज बोली कि हम ट्विटर वगैरह से कुछ नहीं हुआ, चलो तो बहुत हो गया, अब हम कोर्ट चलते हैं, तो हम हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर सबसे ऊपर है ना, और गुरुजी ने हमसे भी कॉन्टेक्ट किया, हमने बहुत ही कॉर्डियल वे में बात की, और हमने लगभग 45 मिनट तक मेरी से बात हुई थी, 45 मिनट तक हमारी बात हुई, और हमने काफी मतलब कि डिस्कशन किया कि किस चीज तरह से इस चीज को आगे लेके जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लगभग 3-4 दिन पहले ये बात हुई थी, ठीक है बेटा। अब 3-4 दिन पहले ये बात हो गई थी और गुरुजी को ये पता चल गया था कि इनिशियल लेवल पे हम यहां से अगर कोर्ट केस फाइल करना होता है तो हम दूसरे दिन ही कोर्ट केस है वो फाइल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज हम प्रूव करेंगे कि कैसे आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कैसे आपको मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पहले हमने ये बोला कि सर चीजों को ओपन मत कीजिए कि कौन एजुकेटर को कितना पैसा दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि नंबरिंग आ जाएगी, और नंबरिंग में एक हमारा जो कैंपेन है, उसके बाद में आज 12 बजे अभी आप 10-12 मिनट के लिए लाइव आते हैं, वहां हर दूसरा बच्चा आपको बोलता है, आपको बोलता है क्या है, आपको ये बोलता है कि सर आरएसएस से सपोर्ट मांगिए, लेकिन आप वहां पे एक वर्ड यहां तक नहीं बोल सकते कि बेटा आरएसएस से जो इनिशियल अमाउंट है वो आ चुकी है और हम बैकग्राउंड में काम करें। अगर ऐसा हो जाएगा तो पॉलिटिक्स ही खत्म, आपकी गेम खत्म हो जाएगा, आप अगर ऐसा हो जाएगा ना, बच्चा हमारे को आगे हेट कैसे करेगा, नेगेटिव कमेंट कैसे करेगा, अभी क्लास स्टार्ट होने से बच्चे पहले कमेंट कर रहे थे सपोर्ट सर सपोर्ट, है ना, उस गुरुजी को सपोर्ट, उस गुरुजी को फिर कमेंट कैसे करेंगे, राजनीति खुल जाएगी, फिर तो यहां पे गेम ही खत्म हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा कि इनिशियल जो अमाउंट है वहां से आ गई है, आप रोज तो 21,000 का डेटा, 33,000 का डेटा, आज क्यों नहीं आया, शाम को डेटा नहीं आया कि आज हमने यहां से 60,000 का डेटा आ गया है और उसमें से यहां इस चैनल का भी सपोर्ट आ चुका है, और हमने वीडियो नहीं बनाया, अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद में 50,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद में भी हमने आपका, क्योंकि हमें पता था कि आप किस हिसाब से मतलब कि ब्लफ कह रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, तो आपके उस ब्लफ को पंचर करने के लिए हमने कहीं, क्योंकि हमें पता था कि आपकी फितरत है इस हिसाब से गेम करने की, फेमस है इसके लिए, है ना, क्योंकि आप तो शुरू से पिछले साल 1.5 साल से ले लीजिए, आपका शुरू से ही ये रहा है, आपकी राजनीति ये रही है कि आप सिर्फ ब्लफ खेलते हैं, लोग क्या है कि लोग जैसे मोस्टली ऑफलाइन है सबके साथ में, और लोग क्या करते हैं कि अवॉइड